तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। आई सी दिस न्यूज बट आई डोंट सी। तो आज की इस वीडियो में हम शादी में होने वाली चपलियों के बारे में बात करेंगे। तो अपनी अम्मी को साथ बिठा लो और अपनी होने वाली बीवी को स्काइप पे ले लो। तो चले शुरू करते हैं। अब पाकिस्तानी शादियों में तुम्हें अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। कुछ भुखड़ सिर्फ खाने के लिए आते हैं, कुछ औरतें रिश्ते करवाने आती हैं, कुछ लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता किसकी शादी है, उन्होंने तो बस अपना नया सूट दिखाना है। तो पहले बात करते हैं रिश्ता करवाने वाली साड़ियों के बारे में। अब मैं इन्हें साड़ियाँ इस वजह से कहता हूँ क्योंकि रिश्ते करवाने वाली औरतों में और सांड के साइज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। अब पाकिस्तानी शादियों में 70% जोड़े दूसरों की शादियों में बनते हैं। अब इनकी आंखें इस तरह गिदड़ों की तरह चलती हैं ना, इन्होंने बस ये देखना होता है कि फैमिली गाड़ी पे आई है, रिक्शे पे आई है या टैक्सी पे आई है। इन साड़ियों की नज़र इस पर भी होती है कि सलामियाँ लिफाफे में दी जा रही है या बगैर लिफाफे के दी जा रही है। अब अगर तुम गाड़ी पे आए और तुमने सलामियाँ बगैर लिफाफे के दिया तो इनकी नज़र में तुम्हारा स्वैग लेवल हाई हो जाएगा। अब आते हैं इन देसी आंटियों पर। अब इन्हें पूरी शादी में सिर्फ दो काम आते हैं, या तो दूसरी औरतों के मेकअप पे कमिट्स करना आता है या तो चुगली करनी आती है इन्हें बस। तेनू नहीं पता ऐ मुंडा एक नंबर दा हरामी इमरान हाशमी हैगा, ऐ कोई अरेंज मैरिज नहीं हैगी। मतलब अभी शादी हुई नहीं, तलाक की प्लानिंग इनकी पहले से चल पड़ती है। चाहे इनके खुद के मुंह पे पता ना चल रहा हो केक मलावा है, मेकअप मलावा है, पता नहीं कुछ और मलावा है, इन्होंने ना बस दूसरे लोगों पे कमिट करने हैं। इन लोगों को ना शादी के खाने तक में भी प्रॉब्लम होती है। खाना चाहे जितना भी मजे का हो, इन्होंने बकवास जरूर करनी होती है। एक तो इन्हें फ्री में खाना मिल रहा है, यही बड़ी बात है। अब आते हैं किराए के DSLR वालों पे। मुझे ये लोग इतने शोधे लगते हैं ना, और ये सेल्फियों वाले, ये 100-200 सेल्फियां घर लेके जाएंगे, जिनमें से एक इनकी अच्छी आई होगी वही सिलेक्ट होगी, उनका ये स्टेटस मार देते हैं। That's my large bro getting marriage. Hashtag marriage. Hashtag love you large bro. Hashtag selfie जी। जब दुल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने की बारी आती है ना, तो स्टेज के पीछे छोटी सी जगह पे पांव उड़ा के खड़े हो जाते हैं, बस किसी तरह इनकी फोटो आ जाए। अब पाकिस्तानी शादियों में खाने का ये सीन है ना, अगर 8 बजे की भी टाइमिंग दी हुई है ना, तो तुम्हें 10 बजे जाके तब मिलेगा खाना। और जब भी खाना खुले ना, तुमने कुत्ते बन जाने, नहीं अगर तुम कुत्ते नहीं हो ना तो भी बन जाने। जो नाश्ता ही नहीं करता है उसे पता होता है कि शादी में फ्री की बिरयानी मिलनी है, और ये इतने भूखड़ होंगे ना कि अपनी चेयर टेबल के साथ लगाएंगे खाने वाले, और जैसे ही खाना खुलने का ऐलान होना सबसे पहले लेग पीस खाने का इन्हें मौका मिले। अब अगर किसी गाँव वाली जगह पर है ना शादी, तो अब इन लोगों का दिल चाहता है एक ही टाइम में हर चीज़ खा लें, इन्होंने एक ही प्लेट में हर कुछ डाल लेना होता है। यार कुछ तो बिरयानी के ऊपर कस्टर्ड डाल देते हैं, मतलब ये लोग शादी पे आते ही सिर्फ खाने के लिए हैं। मतलब 5-6 लोगों का ग्रुप बना लेंगे ये लोग, और जैसे ही खाना खुलता है ना, हर एक बंदे के जिम्मे एक काम लगा देंगे। अब पाकिस्तानी शादी में ये सीन है, अगर चिकन बना हुआ ना तो हर कोई उतना डालेगा जितना वो खा सकता है, और अगर तुम मटन बना हुआ ना तो उनका दिल चाहेगा पूरा पूरा बकरा अपने अंदर ठूस लें। तो चलो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक मारो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अभी अभी अपनी टीम ने डिसाइड किया कि हर लाइक करने वाले को और हर चैनल सब्सक्राइब करने वाले को क्यों मोबाइल की मोटर बाइक खराब के लिए